What's up guys? कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब फिट और फाइन होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका मोहित फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए सिर्फ आप लोगों के लिए, जो आपके दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन है कि हम इन प्रोडक्ट में से कौन सा बाय करें। तो हम दो प्रोडक्ट का, एक ही ब्रांड के दो प्रोडक्ट है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैविलिवरॉन के दो प्रोडक्ट। एक तरफ है ब्लैक लाइन कैविलिवरॉन ब्लैक लाइन एनाबोलिक मास गेनर और दूसरी तरफ है कैविलिवरॉन गोल्ड लाइन गोल्ड लीन मास गेनर। तो इन दोनों का एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में और बहुत ज्यादा डाउट है, कमेंट्स थे इसके बारे में कि भाई इन दोनों के बारे में बताओ, क्यों इन दोनों में ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है, कितना प्राइस का, क्या वेट का, केजी का, सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, ये दोनों मास गेनर है। मास गेनर आपको क्यों लेने चाहिए? देखिए, अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है और साथ के साथ मसल साइज गेन करना है, आपकी बॉडी दुबली पतली कमजोर है और आप चाहते हो कि एक अच्छा खासा मसल साइज गेन हो, तो आप मास गेनर ले सकते हो। कौन सा लेना चाहिए वीडियो में बताऊंगा आगे, वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। तो इस अगर मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियो के लिए, कंफ्यूजन दूर करूंगा, ओरिजिनल की पहचान बताऊंगा कैसे पहचान सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं कैविलिवरॉन। कैविलिवरॉन जो ब्रांड है वो पोलैंड की ब्रांड है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराई जाते हैं। कैविलिवरॉन बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर, उनके जो प्रोडक्ट है पर्सनली मैं यूज कर चुका हूँ, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और ये जो मास गेनर है दोनों ही अच्छे, लेकिन दोनों में भी तो कंफ्यूजन है कौन सा लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंपोर्टर की, तो जो ब्लैक लाइन है इसके जो इंपोर्टर है वो है एलयू इंटरनेशनल, और जो गोल्ड लाइन है इसके इंपोर्टर है SSNC। ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है, तभी तो पहचानोगे, जेन्युइन की पहचान कैसे करोगे फिर। और दोस्तों बात कर लेते हैं पैकेजिंग की, वेट का, इसके अंदर 6 kg वेट है, इसके अंदर 7 kg है, तो 1 kg ये ज्यादा आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं इनके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विंग साइज की। दोनों का अगर 100-100 ग्राम का सर्विंग साइज अगर मैं लेता हूं तो इसके अंदर आपको मिलती है 338 कैलरीज, जबकि इसके अंदर आपको मिलती है 365 कैलरीज आपको ज्यादा इसके अंदर मिलती है। तो दोस्तों और इसके अंदर आपको फैट मिलता है 6 ग्राम, इसके अंदर आपको मिलता है 2.6 ग्राम फैट, इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर थोड़ा कम फैट मिलेगा आपको। जिन लोगों को फैट ज्यादा नहीं चाहिए इसको यूज करिए। प्रोटीन मिलता है गाइज इसके अंदर 35 ग्राम, और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है 40 ग्राम प्रोटीन, तो प्रोटीन 5 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर आपको ज्यादा मिलता है इससे। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्ब्स आपका वजन बढ़ाएंगे, 35 ग्राम कार्ब्स, 36 ग्राम कार्ब्स इसके अंदर मिलते हैं, इसके अंदर आपको 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो दोस्तों कार्ब्स के मामले में भी ये ज्यादा है। LRG9 इसके अंदर 100 मिलीग्राम है, इसके अंदर 1000 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम LRG9, तो ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू कैविलिवरॉन गोल्ड से। वेट भी ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, फैट कम, LRG9, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको क्रिएटिन मिलता है 5 ग्राम 100 ग्राम की सर्विंग में, इसके अंदर आपको दोस्तों 1.5 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। क्रिएटिन ज्यादा चाहिए तो इसको यूज करिए, और क्रिएटिन कम चाहिए तो इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है DAA, बाकी ऐसी चीजें, एसेंशियल अमीनो एसिड 12.5 ग्राम, आपको BCA मिलता है, ग्लूटामाइन मिलता है। दोस्तों इसके अंदर आपको MCT ऑयल, जिन लोगों को फैट कट चाहिए, जिन लोगों की बॉडी के अंदर फैट है, लीन बॉडी बल्क चाहते हैं तो इसको यूज करिए, लेकिन जिन लोगों को बल्क बॉडी यूज करनी है वो इनको यूज कर सकता है। बल्क बॉडी चाहिए, ज्यादा वेट चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो इसको यूज करिए। दोनों के प्राइस की मैं बात कर लूं तो इसका एल्यू इंपोर्टर है, प्राइस है 11,000 रुपए दिया, लेकिन ये आपको मिलेगा 5400 से 5500 रुपए के आसपास। तो दोस्तों इसकी बात कर लूं, इसका जो इंपोर्टर है वो SSNC, जिन्होंने इसका प्राइस दिया है 10,000 रुपए, ये मिलेगा आपको 5200 रुपए, 5400 से 5500 और 5200 रुपए, इससे ज्यादा प्राइस कहीं भी पे मत करना वरना आपको लोग ठग लेंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, इंपोर्टर और प्राइस का। मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो इसके नीचे दे रखे, इसके यहाँ पे 2024 की, और दोस्तों इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी। तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था कि कौन सा बाय करें, तो मैं चाहूंगा आप इसको बाय करें, 1 kg ज्यादा है
प्रोटीन ज्यादा है, कार्ब्स ज्यादा है, क्रिएटिन भी मिलता है, आपको फाइबर भी मिलता है और आपकी मसल बिल्डिंग करेगा और आपके वेट को बढ़ाएगा। लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि हमें वेट ज्यादा नहीं चाहिए, बॉडी लीन होनी चाहिए बिल्कुल शार्प, तो इसको यूज कर सकते हो। मैं पहले पहले इसको यूज किया था, इससे मेरा वेट ज्यादा गेन नहीं हो पाया और इससे मेरा वेट अच्छे खासा गेन हो रहा है धीरे धीरे। मैं अभी यूज कर रहा हूं, बाकी रिजल्ट इसका कंप्लीट रिव्यूज के यूज करने के बाद आएगा। मैंने इसको पहले भी यूज कर चुका हूं, एक बॉक्स पहले यूज किया 3 किलो का, उससे पहले मैंने 7 kg का यूज किया था, तो ये मेरा तीसरा बॉक्स है, इससे मुझे ज्यादा अच्छी गेनिंग होती है। तो दोस्तों प्रोटीन कौन सा मिलेगा, वे प्रोटीन, कंसंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज, तीनों चारों तरह के प्रोटीन मिलते हैं, कैसीन प्रोटीन भी मिलता है इनके अंदर आपको। तो दोस्तों दोनों में से बेस्ट आप लोगों का सोच क्या है, आपका गोल क्या है, अच्छी बल्क चाहिए तो इसको यूज कर रही है, अच्छी लीन चाहिए बिल्कुल बॉडी में बिल्कुल ही फैट ना है तो इसको यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, मेरा रिप्लाई जरूर आएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिन लोगों को मास गेनर की रिक्वायरमेंट है उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाओ ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो पाए। तो थैंक यू।